नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाला बजाज पल्सर 125 BS6 विद फ्यूल इंजेक्शन। फाइनली इस गाड़ी का स्पेक्स रिवील हो चुका है, इसके पहले सिर्फ प्राइस रिवील हुआ था। फाइनली बजाज ने इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन भी रिवील कर दिया, तो आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में BS6 वाले मॉडल में कितना पावर आउटपुट देखने को मिलता है। आखिर तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने वाले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में होगा, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना, एंड बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। बजाज काफी क्लोज है अपने पल्सर 125 के लॉन्च के, और इसके स्पेक्स फाइनली रिवील हो चुके हैं। आपको इस गाड़ी में क्या देखने को मिलता है, ऑलरेडी मैं प्राइस बता चुका हूँ, 73,088 रुपीज फॉर द एक्शन प्राइस आपको प्राइस देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 6,500 रुपए आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ता है BS4 के कंपेरिजन में। लेकिन मेन मुद्दे की बात आती है, इस गाड़ी में आपको एक्चुअल में देखने को क्या मिलता है। 124.38 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है, जो कि पावर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा कम, दैट इज 7.80 BHP का पावर आउटपुट एट द रेट 8,500 RPM। और अगर मैं BS4 के कंपैरिजन में बात करूं तो उसमें था 12 BHP का पावर आउटपुट, इसमें आपको थोड़ा सा 0.2 BHP का पावर आउटपुट कम देखने को मिलता है। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण इसका जो स्मूथनेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इस गाड़ी का अगर टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम ही आपको देखने को मिलता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 6,500 RPM। और इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। इसके अगर डिजाइन की बात को तो डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका जो डिजाइन है वो पल्सर 150 जो इसकी बिगर सिबलिंग है वहां से ही लिया गया है। सारा सेटअप सेम देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलाइट विद 2 पायलट लैंप्स, काफी अच्छा डिजाइन है, मैट फिनिश के साथ आता है। नॉर्मल वाला जो फिनिश है वो भी आपको देखने को मिलता है, मतलब ग्लॉसी वाला जो कलर है वो भी आपको देखने को मिलता है। ऑल ब्लैकआउट थीम है, सिंगल सीट का ऑप्शन है, डुअल टेल लाइट आपको देखने को मिलता है जो कि पल्सर का पैटेंट है, और इसमें आपको मिलता है स्प्लिट हैंडल बार विद एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन। काफी लोग सोच रहे थे कि इसका जो प्राइस है उस हिसाब से देखा जाए पावर उतना सही नहीं होगा। इस गाड़ी का जो मेन कॉम्पिटिशन है ना वो होंडा SP125 से, जो कि रिसेंटली BS6 मॉडल में लॉन्च हुई है। इस गाड़ी की क्वालिटी की बात अलग है, काफी हैवी बाइक है एज कम्पेयर टू होंडा SP125। 140 kg का ड्राइव वेट है, एटलीस्ट हाईवे में ये काफी अच्छी स्टेबिलिटी देने वाला है। और इसके टायर भी काफी अच्छे है, SP125 जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें स्किनी टायर है, इसमें थोड़े से रेडियल आपको देखने को मिलता है, 100 सेक्शन का रियर टायर आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की तो इस गाड़ी में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको इंजन माल फंक्शन का लाइट देखने को मिलता है, रेस्ट आपको सारा का सारा सेम देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में चेंजेस की तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन ऐड हुआ है और एक कैथलेटिक कन्वर्टर जो कि आपको साइलेंसर वाले पार्ट में देखने को मिलता है, रेस्ट कोई भी चेंजेस नहीं है। साइकिल पार्ट्स की बात करूं तो इस गाड़ी में वही आपको टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में और पीछे मिलता है, डुअल सस्पेंशन सेटअप वो भी गैस चार्ज। इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में, और इसमें मिलता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड। इसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है ड्रम ब्रेक, फ्रंट में 170 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है और पीछे 130, उसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं काफी अच्छा आपको लुकआउट देखने को मिलता है, सीटिंग पोस्चर वो काफी आपको स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करता है, आपको SP125 जैसा नहीं है जो होंडा की बाइक हो तो एकदम कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक जैसी लगती है, पल्सर थोड़ा सा आपको स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करता है। ऑन एंड ऑन देखा जाए तो काफी अच्छी गाड़ी है, और अगर आपको लेना है दोनों गाड़ियों में से तो ये गाड़ी को भी कंसिडर कर सकते हैं, काफी चीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ जगह में ये गाड़ी पीछे जाती है, लाइक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन होता तो अच्छा होता, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर होता अच्छा होता, एलईडी हेडलाइट होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन ये सारी चीज आपको पल्सर में मिस आउट देखने को मिलती है। कंपनी ने पल्सर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, जस्ट BS6 को हिट करना है, दैट्स वाई बस इन्होंने फ्यूल इंजेक्शन ऐड किया एंड इसमें कैथलेटिक कन्वर्टर ऐड किया, दैट्स इट, थोड़ा सा रिट्यून किया। तो फ्रेंड कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट बजाज पल्सर 125, आप लोगों को क्या रहा है इस गाड़ी से रिलेटेड प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा। इस गाड़ी से रिलेटेड कोई सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल दिख रहा है उसको फॉलो करें, विदिन 24 आवर्स विदिन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टीवी कुछ भी सेट, टिल देन बाय एंड चाओ।